इन फोर्थ एपिसोड फर्स्ट आई विश यू वेरी स्पेशल जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। तो चौथे एपिसोड को देखते रहिए, बने रहिए। तीसरा एपिसोड आपने देख लिया, दो दो एपिसोड करके डाल रहा हूँ। आइए देखते हैं आगे। यहाँ ब्रेक के बाद अब हमें अगली लोकेशन पर जाना है और सभी फिर से जो ग्रुपों में डिवाइड हुए थे अपने ग्रुप लीडर्स के साथ जाएंगे। हमें लगता है सबसे आगे वाले ग्रुप का नेतृत्व कर रहे हैं सर। हो लेकिन जो भी हो, अभी आधा रास्ता ही क्रॉस हुआ है, लेकिन यहाँ जो स्टॉप लिया था ना उसमें बेटर फीलिंग आ गई, क्योंकि गाना बजाना इंजॉयमेंट हो गया। वहाँ हमने स्टॉप लिया था, हम लोगों को ऊपर जाना है ऐसे घूमते हुए, इधर से ऊपर जाना है वहाँ वहाँ पे रास्ता वही है। चलो तुम्हारा भाई लेगा शॉर्टकट, क्योंकि जल्दी पहुँचते हैं। थकते तो हैं थोड़ा, लेकिन पहुँचते जल्दी हैं। मेरी कैब चली जाती है। ओफ, ये ब्लॉग बना रहे भैया, इनके चैनल सब्सक्राइब करना और लाइक में चलते जाओ। हाँ डालेंगे, देखिए ये नीचे ये लोग चैन सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, बेहतर है क्योंकि चैन सिस्टम से आसानी से चढ़ सकते हैं। उफ, अगर यहाँ फिसले तो भाई साहब गए नीचे। उफ, लेकिन शेर नहीं दिख रहा। ये लोग जहाँ जाने वाले हैं, हम शॉर्टकट से थोड़ा जल्दी पहुँचेंगे, लेकिन हो गए काम। ओके ओके ओके, हो देखिए यहाँ तक तो आ गया, अभी ऊपर जाना है वहाँ। फिर चढ़ाई शुरू करते हैं, चढ़ते जाओ चढ़ते जाओ चढ़ते जाओ। एक मिनट, वाइड कैमरा लगाते हैं। अब ठीक है, वाइड एंगल पे थोड़ा अच्छा दिखता है ये। यस आई गॉट इट कंप्लीटेड। वो देखिए वहाँ से आ रहे हैं हमारे स्काउट, और यहाँ तक की चढ़ाई मैंने शॉर्टकट से कंप्लीट की है। ओके ओके यस, सबसे पहले ऊपर चढ़ के आया। अभी और ऊपर की तरफ जाना है। एक बार फिर हमारी चढ़ाई शुरू हो गई है और हम अपनी चढ़ाई चढ़ने के लिए एकदम पूरा तैयार हो गए। यहाँ के पत्थर में निकल की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, इसे देखिए आप चमक रहा होगा, और ये बहुत ही कमज़ोर होता है। ये देखिए टूट रहा है टूट रहा है टूट रहा है, ये बहुत आसानी से टूट जाता है, और इसमें निकल बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है इसीलिए चमक रहा है। हो चलते चलते कहीं रुक जाता हूँ मैं, यही हाल है इस समय हमारा पहाड़ों पर चढ़ चढ़ के थक जाते हैं थोड़ा थोड़ा, क्योंकि आज हमने सुबह नाश्ता भी नहीं किया था और पहाड़ों पे पहले कभी आए भी नहीं थे, तो यहाँ के जो वायुमंडल होता है वो हमारे शरीर के अकॉर्डिंग नहीं होता है। थोड़े दिन लगते हैं ढलने में, लेकिन जब तक हम ढल पाते हैं तो फिर से अपने घर पहुँच जाते हैं। इतनी हाइकिंग कराए, जंगल में कोई जानवर नहीं मिला, अभी मिले हैं क्या, कुत्ता मिला है, बकरी मिली है, और गाय भी है, और गधे भी हैं। गधे भी हैं, वो वीडियो में नहीं दिखेंगे आपको, लेकिन गधे हैं। ये हंसी बादियां क्या, हाँ हाँ पानी बहता है। आपको बेहतर प्रैक्टिस है इसकी, आप ट्राई कर लीजिए। कूद जाओ खींच तो हम लाएंगे ही। अच्छा, लेकिन हम लोग आए कुलदेवी के मंदिर, और यहाँ एक स्टोन है बहुत बड़ा है, उस पर बैठ के आराम से फोटोग्राफी बहुत अच्छी होती है। अभी हमें 100 मीटर लगभग नीचे जाना है, लेकिन लोकेशन बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। पिछली बार मैं आया था तो यहाँ की ब्लॉगिंग सही से नहीं कर पाया था, और हमको ऐसे जाना है, यहाँ से होते हुए नीचे की ओर जाना, डायरेक्ट नहीं जा सकते लेकिन जाना वहाँ है।
सामने मंदिर, क्या हुआ भाई? अच्छा अच्छा अच्छा, तो स्थानीय लोग इसका दूध निकालने के लिए पेड़ का ये उपयोग में आता है कुछ बनाने के, इस तरीके से पेड़ को छीलते हैं, यहाँ पर कुप्पी भी लगा देते हैं। भाई को चीड़ के फल मिले हैं, सॉरी फूल मिले हैं। चलें आगे, इसमें से वो निकल रहा है, हाँ गोंद टाइप का निकल रहा होगा। जीवन यापन के तरीके हैं, तमाम तरीके के लोग तमाम तरीके खोजें करते हैं। अब देखना आपको मंदिर की ओर ले जाएंगे, वो तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लोकेशन है। ये देखो स्टोन, कई सौ फीट की गहराई, पहले यहाँ पैकारी हुआ करती थी, अब जूते बिल्कुल लेंगे, आप कई बार आ चुके हैं तो उससे क्या, आप होके आए ना, कहते हैं घंटे के नीचे खड़े होकर घंटा जाना चाहिए ताकि हमारी जो निगेटिव एनर्जी है वो चली जाए। अभी फोटोग्राफी होगी बेहतरीन तरीके से। फिलहाल मंदिर में जाएंगे ऊपर इधर, और ये देखिए खतरनाक लोकेशन। अब हम जा रहे हैं मंदिर में, और देखना किस तरीके से हमको घुसकर निकलना है। यहाँ पीछे देख रहे हैं, इतने छोटी जगह से हमको अंदर की ओर जाना है। हम भी आ जाएं, पहले पता चले हम ही रह जाएं, कैमरे में आई ना। अरे आ जा, जा कितनी नौटंकी करता है घूमने में। जा रहे हैं ऊपर की ओर, ओफ आ गए हैं ऊपर की ओर, अब जाएंगे मंदिर। इस मंदिर की खास बात यह है कि इस मंदिर के चारों तरफ घंटियां ही घंटियां। क्वेश्चन नहीं है, फैक्ट था। ओके, तो ये रहा वो मंदिर। फिलहाल मुझे लगता है पहले की अपेक्षा इसकी घंटियां कम हो गई हैं। जब पिछली बार मैं आया था तो इस मंदिर के चारों तरफ घंटी घंटी थी, लेकिन इस बार थोड़ी कम है, पता नहीं कहाँ गई, हो सकता है उतार के रख दी गई हूँ। माता का मंदिर है, आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। पाषाण माता, कुलदेवी का लोग ये कुलदेवी मंदिर भी कहते हैं ये लोग। कोई और तो नहीं रहा, एक बच्चा रह गया, आ जाओ भाई, आओ भाई आओ, ऐसे बैठे रहना वैसे। चलो 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 भाई, चलो चलो सब लोग आओ, आइए सब लोग, चलो आओ जल्दी नीचे। हाँ सर हैं, आ रहे हैं। अच्छा ठीक है सर, आ जाओ भाई। लोकेशन अच्छी है, आप देख ही रहे हैं, और काफी बेहतर लगा यहाँ आके। ये देखिए पहाड़ कटा हुआ, गजब। जोर से बोलो, सारे बोलो, उठ के हो गए, जोर से बोलो, अरे सारे बोलो, फिर से बोलो, हाथ उठा के बोलो, अरे सारे बोलो, फिर से बोलो, जोर से बोलो, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, भारत माता की। चमचम करता आया मौसम, प्यार के गीतों का रस्ते पे रसिया रसिया देखे बिछड़े मीतों का। आज मिलन की रात न छेड़ो दाढ़ी वाली, मैं चुप तू चुप प्यार सुने बस प्यार ही बोले खाली। घर आ जा परदेसी,
कि तेरी मेरी घर आजा परदेस। आंटी आप यहीं रहती हैं? ये आंटी यहाँ पर बकरी लेकर आई हैं इनको खाना खिलाने के लिए। जाना नहीं मुझे छोड़ के। और भी पीछे वापस आ गए ट्रेनिंग सेंटर पर। और ब्लॉग बड़ा हो जाता है तो दो पार्टों में डालना पड़ता ही है। इससे पहले का पार्ट आपने देखा ही है। तो इस वाले ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं किसी अगले ब्लॉग में। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब मारो। ये क्या है यार, भागने लगे इसे सब्सक्राइब के लिए बोला। सब्सक्राइब करो भैया, कर दो और बने रहो हमारे साथ, जुड़े रहो हमारे साथ, ऐसे ही मजे करते रहो। और टाइप के भी ब्लॉग मिलेंगे, ये तो नेचर स्टडी से रिलेटेड है। तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, मातुजय सलाम, जय शिवाजी, जय कलाम एंड बाय। तो कैसी कट रही है।